हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण। होममेड फूडी में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल रेसिपी तैयार करेंगे, महाराष्ट्र की दाल पकवान। मैंने गैस पर कुकर रख दिया है। इसमें मैंने दाल पहले आधे घंटे भिगो ली थी और अब इसमें हमने पानी डाल देना है और 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें सॉल्ट डाल देंगे। पानी भी हमने देख के ही इसमें डालना है कितना उसमें ऐड हो सकता है दाल में। दाल के हिसाब से 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अब को बंद कर देंगे इसको हम कुकर को। इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे 2 सीटी लगने तक। अब हमने डो की तैयारी करनी है। एक बॉल मैदा ले लिया है, हाफ बॉल मैंने सूजी ले ली है। इसे हम डो बनाएंगे। इसका 1/2 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा अजवाइन और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हमने ऑयल डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। इस तरीके से गूंद लेना है और इसे हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक हम दाल देख लेते हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, पक गई है दाल हमारी। और इसके बाद हम इसके छौंक की तैयारी करेंगे। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है, गरम होने के लिए रख दिया है और ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। अब हम छौंक की तैयारी करते हैं। इसमें 1/2 टेबलस्पून हींग डाल देंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हमने जीरा डाल दिया है और 5-6 कलियाँ हमने लहसुन के लिए हैं, जिनको चॉप करके इसमें डाल देना है और इसे हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए थे, जिसको कि मिक्सी में चला दिया, अच्छे से इसका पेस्ट बना दिया। उसे डाल देंगे, उसे डाल के भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। आपको जितनी भी स्पाइसेस चाहिए दाल, उतने ही आप इसमें लाल मिर्च के करीब ऐड कर सकते हैं। आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जितना कि आपके घर में स्पाइसेस खाते हैं उतना आप डाल सकते हो। तो इसमें अब हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को हम इसमें डाल के पकाएंगे। कम से कम भी हमें इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। तब तक हम पकवान की तैयारी करते हैं। ये आटा मेरा सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत पतला बनाना है। रोटी की तरह इसको बेलना है, पहले बहुत पतला पतला इसे बेल लेना है। पहले हमने सारी लोइयां बनाकर अच्छे से रख लेनी है इस तरीके से। अब हम इसे बेल लेंगे, बिल्कुल पतला बेलना है रोटी की तरह। ये देखिए, इतना पतला होना चाहिए। ये पतले ही पकवान पतले ही अच्छे लगते हैं। इसमें हम फोक से छेद कर लेंगे, पूरे पकवान में हमें ये छेद कर लेने हैं। इसे हमने मोटा नहीं रखना है, क्योंकि अगर पतला रखेंगे तभी वो हमारे क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरीके से हम सारे पकवान बना के रख लेंगे। अब हमने दाल देखनी है। दाल हमारी जो है एकदम से बन चुकी है।
अब हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा आटा डाल के देख लिया है मैंने। अब इसमें हम पकवान डालेंगे। इसे दबा दबा के हमें फ्राई करना है ताकि, और रोस्ट करना है इसको ब्राउन होने तक, अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनते हैं और क्रिस्पी ही होने चाहिए। इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पकवान फ्राई कर लेंगे। देखिए अब हमारी दाल और पकवान दोनों तैयार हो चुके हैं। और इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने नींबू का रस डाल दिया है और हरा धनिया से भी इसे गार्निश कर लिया है। और ऊपर इसके हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हरी मिर्ची से गार्निश कर दीजिए इसको। प्याज हम थोड़ा सा डाल देंगे, कटा हुआ बारीक प्याज है ये थोड़ा सा रख देंगे। टमाटर हैं कटे हुए, ये रख देंगे हम। 2 से 3 पीस जो है वो टमाटर के हम रख देंगे, जितना भी आप पसंद करते हो। और इसे आप पकवान के ऊपर रख के भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही क्रंची बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। या आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो, प्लेट में रख के भी इसे आप दे सकते हो। लीजिए हमारे पकवान तैयार हो गए। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।